हाय गाइस, लाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है कि जितना भी समीकरण है उनका शून्य निकाले और उनको जांच भी करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है यानी कि यहाँ पे हम लोग का छुपा हुआ रहता है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इस 1 को हम लोग आखिरी वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। अब इस 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग 2 से। 2 जा 2, 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब इस एलसीएम को हम लोग इस प्रकार सेट करेंगे कि हम लोग का प्लस या माइनस करने माइनस 2 आ जाए। तो हम लोग देखते हैं 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो इसको हम लोग प्लस या माइनस करने पर क्या लाना है, माइनस 2 लाना है। तो माइनस 2 कब आएगा, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे और साइन हम लोग का माइनस माना चाहिए। तो देख रहे हैं माइनस 4 एंड प्लस 2, तो हम लोग का होता है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का होता है। तो हम लोग का 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 आता है। अब हम लोग इसको एज इट इज उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ क्या करना है, इस दोनों को एक साथ लिखना है, फिर इस दोनों को एक साथ। तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों को एक साथ लिख लिए, प्लस 2x माइनस 8 दोनों को एक साथ लिख लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों जगह x है, इसलिए दोनों में से एक x आ गया बाहर। तो दो को x था यहाँ पे, तो एक x आ गया बाहर, तो अंदर कितना बचा 1x, माइनस का माइनस, x आ गया बाहर तो अंदर क्या बचा 4, प्लस है तो प्लस। देखते हैं यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि 2 का टेबल में 8 भी आता है, तो इसलिए 2 आ गया बाहर। तो 2 आ गया बाहर, तो हम लोग अंदर में क्या बचा x, माइनस है तो माइनस। 2 का टेबल में 8 कितना टाइम आता है, 2 4 जा 8 हो गया। तो अब हम लोग आगे करते हैं, ये दोनों हम लोग का ध्यान रहे कि दोनों एक ही नंबर आना चाहिए, साइन दोनों का एक ही रहेगा तभी हम लोग का मैथ सही है, नहीं तो वो गलत हो जाता है। तो हम लोग इस दोनों के बदले में 1 लिखेंगे यानी दोनों को कॉमन ले लिए। अब हम लोग का क्या बचा x प्लस 2। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि इतना हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का आगे आता है 10 क्लास की बारी, 10 क्लास का आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग को 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को शून्य निकालना है ना, तो शून्य निकालना है इसलिए 0 लगा दिए। तब क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस 4 जब इज इक्वल टू की इधर आता है तो वो हो जाता है प्लस 4, और x इज इक्वल टू प्लस 2 जब इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाता है। शून्य अभी निकल गया है और उस शून्य कौन कौन सा है, 4 कोमा प्लस 2 इधर आया था तो क्या हुआ था, माइनस 2 हुआ था। ये हम लोग का 2 शून्य है यानी कि 0 निकल गया हम लोग का, क्या 4 और माइनस 2। तो दोनों में से किसी एक को जांच करने के लिए अब हम मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा, ये दो नए शब्द लग रहे होंगे आपको, इसका नाम होता है अल्फा, ये होता है बीटा, ये यूनान देश का अक्षर होता है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ हम लोग का ए का वैल्यू होता है कुछ नहीं है मीन्स 1 है, एंड बी का वैल्यू हम लोग का होता है माइनस 2, एंड सी का वैल्यू हम लोग का होता है माइनस 8। अब हम लोग इसको इस तरीका से वेरीफाई कर सकते हैं, पहला हम लोग का होता है सम ऑफ जीरोज यानी शून्य को का योगफल, सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्य को का योगफल, इसको निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये नाम से ही पता चल रहा है सम, सम यानी क्या प्लस, प्लस इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए।
तब हम लोग लिखते हैं अल्फा। अल्फा अभी अभी हम लोग माने थे किसको, 4 को। तो अल्फा के स्थान पे 4 और बीटा के स्थान पे हम लोग क्या माने हैं, 2। तो हम लोग का बी माइनस बी, तो ये माइनस का माइनस और बी का हम लोग का जो वैल्यू है कितना है, -2 है। यहाँ से पुट करें देन ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइनस, फिर हम लोग का 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। तो हम लोग का हो गया यहाँ पे 4 माइनस 2 2, देन 2 इंटू देन 2 का 2। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। और एक शून्य को का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 0, इसका हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा और इसका सी बाय ए। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा, अल्फा का जगह हम लोग क्या इंटू बीटा के जगह पे 2। तब हम लोग का सी के स्थान पे क्या हो सकता है, सी का अभी अभी हम लोग क्या वैल्यू रखे हैं, -8 एंड ए का वैल्यू क्या हम लोग का, 1। तो हम लोग का 4 इंटू 2 8 -8 और इधर भी -8 आया 1। यहाँ पर आया 1 में कुछ नहीं था, हम लोग 1 ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो है दोनों वेरीफाई हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का ये वेरीफाई हो जाता है।